नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ दीपक वर्मा, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ L एक्सटेंशन, C एक्सटेंशन एंड स्पिंडल के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में तीन और चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं L एक्सटेंशन के बारे में। तो आप L एक्सटेंशन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको बनाना कैसे है, आप ड्रैग करें। देखो क्रिएशन मेथड में आपको दिखाता हूँ, एक कॉर्नर है और एक सेंटर है। अभी मैं अकॉर्डिंग टू कॉर्नर बना रहा हूँ। तो उसके लिए पहले आप एक लेंथ लेंगे, उसके लिए पहले आप एक एल बनाएंगे, फिर आप हाइट देंगे और फिर आप उसकी थिकनेस प्रोवाइड करेंगे कि आपको उसकी कितनी थिकनेस चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे करके आप एक एल शेप में यह वॉल आप बना सकते हो। क्लियर? अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी पर जाता हूँ, तो यहाँ पे है कि साइड लेंथ आपको कितनी चाहिए, इसमें है कि आपको फ्रंट लेंथ आपको कितनी चाहिए वो चेंज कर सकते हैं, उसके बाद है साइड विड्थ कितनी चाहिए, उसके बाद फ्रंट विड्थ कितनी चाहिए, या फिर आपको टोटल हाइट कितनी चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेगमेंट्स की, कि साइड सेगमेंट कितने चाहिए, फ्रंट सेगमेंट कितने चाहिए, या फिर विड्थ सेगमेंट कितने चाहिए, या फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो हाइट सेगमेंट आपको कितने चाहिए। क्लियर है? तो ये था एल एक्सटेंशन। अगर बात करता हूँ सी एक्सटेंशन की, तो यहाँ पे है सी एक्सटेंशन। अगर मैं एल एक्सटेंशन को सेंटर के अकॉर्डिंग बनाऊँ, तो पहले आप सेंटर से बनाएंगे कितनी आपको लेंथ विड्थ चाहिए, और फिर आप हाइट डालेंगे और फिर थिकनेस आप इसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सी एक्सटेंशन की। तो पहले आप एक सी बनाएंगे यहाँ पे और फिर हाइट देंगे और उसके बाद आप इसकी थिकनेस को प्रोवाइड करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी है कि बैक लेंथ कितनी चाहिए, साइड लेंथ कितनी चाहिए और फ्रंट लेंथ कितनी चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। बैक विड्थ, साइड विड्थ कितनी चाहिए, फ्रंट विड्थ कितनी चाहिए वो चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं एंड सभी के फिर सेगमेंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे आप इस एक्सटेंशन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पिंडल की। स्पिंडल आप यूज़ करेंगे तो ये वही ऑयल टैंक कैप्सूल की तरह है कि आप पहले बेस बनाएंगे, फिर हाइट देंगे और फिर उसको यहाँ पे फिलेट करेंगे। और फिर प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो रेडियस कितना चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं, हाइट कितनी चाहिए, कैप हाइट कितनी चाहिए ओवरऑल, या कॉर्नर आपको सेंटर से इसकी हाइट चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। जो ये हाइट आप ओवरऑल नीचे से चाहते हो, सेंटर से चाहते हो वो चेंज कर सकते हैं। ब्लेंड कितना चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, साइड के सेगमेंट कितने चाहिए वो इंक्रीज़ कर सकते हो, कैप सेगमेंट कितने चाहिए वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, कैप सेगमेंट हाइट सेगमेंट कितने चाहिए वो आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे करके आप स्पिंडल का यहाँ से यूज़ कर सकते हो। स्मूथनेस चाहिए नहीं चाहिए वो यूज़ कर सकते हो, और यहाँ से स्लाइस कर सकते हो कि किस शेप में आपको ये चाहिए, स्लाइस फ्रॉम एंड स्लाइस टू के अकॉर्डिंग। तो ये था स्पिंडल, सी एक्सटेंशन, एल एक्सटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।